हेलो गाइस, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं स्पेशल मैसेज। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल मैसेज के बारे में। दोस्तों स्पेशल मैसेज बस नाम नहीं है, ये एक इमोशंस है जो लोगों को दिल से जोड़ती है, एकदम फेविक्विक की तरह। फेविक्विक का जोड़ पता है ना, बस वैसे ही। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे माइंड में स्पेशल मैसेज का नाम कहाँ से आया, मतलब स्पेशल मैसेज चैनल बनाने के पीछे क्या रीजन है और स्पेशल मैसेज का एम क्या है, कि आखिर में मतलब मैं चाहता क्या हूँ। स्पेशल मैसेज मेरे लिए एक इमोशन से यार जो दिल से जुड़ी हुई है, और इसका मकसद भी यही है, लोगों को दिल से जोड़ना। तो दोस्तों स्पेशल मैसेज का नाम मेरे माइंड पे कब आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है स्पेशल मैसेज के पीछे। दोस्तों ये बात है 2011 की, जब मैं स्कूल में था। स्कूल में दोस्तों उस टाइम मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था और मुझे वहाँ पे एक लड़की मिली, ठीक है। मतलब ऐसे ही मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया था, उसने एक्सेप्ट कर ली और हम लोगों की बातें शुरू हो गई। और शायद वो अभी भी ये वीडियो देख रही होगी, तो हाय कैसे हो। तो बातें शुरू हो गई उससे, और मतलब अच्छी बातें होती थी, ऐसा नहीं फर्जी लोगों की तरह जैसे अभी बड़ी भी लोग बात करते इस टाइप नहीं, हेलो बाबू सोना उस टाइप में नहीं, एकदम प्रोफेशनल लेवल की बातें, ठीक है। तो ऐसी बातें चालू हो गई और यार पता नहीं यार उससे मतलब बात करके थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं बता दूं कि मैं बचपन से इंट्रोवर्ट टाइप पे हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मतलब चुपचाप ही रहता हूँ, जहाँ भी जाऊँगा चुपचाप रहूँगा। इतना इंट्रोवर्ट था कि मतलब घर पे जैसे कोई मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे बाहर से, तो घर पे छुप जाता था किसी कमरे पे जाके। अभी भी हूँ इंट्रोवर्ट, ऐसा नहीं हूँ, अभी भी ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता हूँ, बस ओनली अपने दोस्तों से बात करता हूँ। और अभी कैमरे के सामने इतना बड़बड़ा आ रहा हूँ, पता नहीं अंदर का कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ बग बग आ गए होंगे, वो चेक करना पड़ेगा मुझे किसी दिन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैं कहाँ पे था। तो अब बात करते हैं उससे, मैसेज में अच्छे मतलब बातचीत होने लगी, चिट चैट होने लगी, बातें करने लगे करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, मतलब कि मतलब आगे क्या करना है करियर में, और पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते थे, क्योंकि उस टाइम स्कूल में थे तो यही सब चल रहा था, स्कूल की लाइफ है। तो दोस्तों वो लड़की ना स्कूल की थी, ना गाँव की थी, ना ही मंडला जिला की थी, पता नहीं मतलब मैं जगह का नाम नहीं बता सकता। फिर यार हम लोगों की मतलब अच्छी दोस्ती हो गई, 1 साल तक अच्छे से बातें की, और उसके बाद फिर उससे मेरी लड़ाई हो गई, उससे झगड़ा हो गई, और झगड़ा होने का एक ही रीजन, मैंने उसको प्रपोज कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी यार वो, तो मैंने प्रपोज कर दिया। लेकिन उसने समझ रहे हो क्या, उसने मुझे समझाया कि अजय ऐसा नहीं है, अजय मैं तुझे दोस्त समझती थी, तू ये सब मत कर, ये तू क्यों ये सब कर रहा है, ये सब पागलपन है, ये सब बकवास है। लेकिन यार मैं तो मैं हूं ना, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार मैं क्या बोलूं। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं भी अपनी बात पे अड़ा रहा, ठीक है नहीं मतलब नहीं प्रपोज एक्सेप्ट करो इस टाइप पे। वो अपनी बात पे वो अड़ी रही, इसी बीच फिर हमारी लड़ाई हो गई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, पहली लड़की जिसने मुझे ब्लॉक किया, ये उसका बैड लक है मेरा नहीं। उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा यार अब उससे मैं बात कैसे करूं, कि फ्रेंड का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था और ना ही मैं किसी को जानता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा इसको मेरा मैसेज कैसे पहुंचाऊं, मतलब मुझे उससे बात करना इतना ज़रूरी हो गया था कि क्या बताऊं, मतलब यार आदत हो गई थी यार, क्या होता दोस्तों से बात करते रहो तो उसकी आदत हो जाती है बातें करने की, उससे वैसे मेरी आदत हो गई थी उससे बात करने की। मैंने सोचा यार कि मैं तो ब्लॉक हूँ, मेरा मैसेज उस तक जाएगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फेसबुक में एक पेज बना लेता हूँ, उसमें मैं अपनी दिल की बातें शेयर करूंगा, या फिर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूंगा जिसको वो शायद देखे, क्योंकि ब्लॉक होने से पेज तो लोगों को दिखता है, बस अपनी आईडी नहीं दिखती, ठीक है। इसलिए मैंने पेज क्रिएट किया, और फिर मैंने सोचा पेज तो मैंने मतलब बना रहा था, तब मैं सोच रहा था कि यार पेज का नाम क्या रखूँ। फिर मैंने अब मुझे उसको मैसेज ही पहुँचाना था, तो मैंने सोचा कुछ मैसेज से रिलेटेड पेज बना लेता हूँ, तो फिर मैंने बनाया स्पेशल मैसेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से स्पेशल मैसेज की शुरुआत हुई, और मैंने उस पेज पर बहुत सारी पोस्टें की, कंटेंट डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पता नहीं फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने मुझे फिर से अनब्लॉक कर दिया, फिर मैंने फिर से बातें शुरू कर दी। और इस बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई ना, कि फिर तो फिर ब्लॉक हुआ तो अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। स्पेशल मैसेज का फेसबुक पेज शुरू हुआ, उसके बाद फिर मैंने सोचा यार कि अब इसी को कुछ करते हैं। मैंने इतना पोस्ट शेयर किया, मतलब इतनी दिल की बातें कही उस पेज में, कि अब मुझे ये सब करना अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने सोचा एक वेबसाइट बना लेता हूँ, फिर मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की स्पेशल मैसेज की, जो कि
जो 6 महीने करीब चली, क्योंकि यार उसकी होस्टिंग बहुत महंगी थी और मेरे पास उतना बजट भी नहीं था कि मैं उसको चला पाऊँ, और वहाँ से ना अर्निंग हो रही थी वेबसाइट से, तो फिर वेबसाइट भी धीरे धीरे बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया स्पेशल मैसेज के नाम से। तो अब यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हो, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन एक बात है कि वो लड़की दोबारा नहीं मिली, और अब उस लड़की की इंगेजमेंट हो गई है। सो बैड, उसका बैड, ठीक है, मेरा नहीं, उसका बैड लग है, मैं तो अच्छा हूँ। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस चैनल का एम के बारे में, अब मतलब मेरा क्या एम है, ठीक है, इस चैनल को लेके। तो दोस्तों इस चैनल को लेके ये एम है, अब इस चैनल को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है, मतलब समझ रहे हो। उसका ये कहना था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, अब उसे दिखाना पड़ेगा ना कुछ करके। उसका ये कहना था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं मतलब आप लोगों की हेल्प की, आप लोगों की सहायता से, क्योंकि यार अकेले से तो कुछ नहीं होगा ना, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी बहुत कुछ कर पाऊंगा। तो मतलब ये है कि इंतकाम वाला चीज़ चल रहा है यहाँ पे भी, मतलब किसी को प्रूव करना, किसी को दिखाना कुछ करके इस टाइप में। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, मतलब कि ब्लॉग वीडियो बनाऊँ। ब्लॉग मतलब क्या होता है कि अपने बारे में बताना, ठीक है, तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। स्पेशल मैसेज का मेन मकसद ये है कि लोगों को दिल से जोड़ना, लोगों को अवेयर करना, मोटिवेशनल, दोस्ती, फ्रेंडशिप, इनसे रिलेटेड वीडियो बनेंगी इस चैनल पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मैं बात करना चाहूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इतना आपको जरूर बोलूँगा कि स्पेशल मैसेज नाम नहीं, ये एक इमोशंस है जो लोगों को दिल से जोड़ती है। ओके गाइस, बाय।